मैडम आप तुझे यहाँ सोने की पेमेंट मिलती है और तुझे पता है ना आज हमारे बॉस आने वाले हैं, उनपे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। मैडम वो तो कल रात को मेरी नाइट शिफ्ट थी और सुबह वाला गार्ड आया नहीं तो मैं ड्यूटी पे था इसलिए आग लग गई। तुझे यहाँ सोने की पेमेंट नहीं मिलती समझे ना, मुझे ना सोते हुए दिख जा तू। अरे सुशांत, अरे पवन तू यहाँ? हाँ यार तू क्या कर रहे हैं? भाई इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करता हूँ। अच्छा ये कंपनी मेरी है यार। अच्छा क्या बात कर रहा है तू? हाँ अरे यार तू यहाँ पे गार्ड की नौकरी कैसे, मतलब कुछ समझ नहीं आया। तू तो यार हमारे स्कूल में टॉपर था। अरे बस यार कुछ हालात ही ऐसे बन गए यार, तूने तो बहुत तरक्की कर ली यार। तो पता है कितने 10 साल बाद मिल रहे हम पूरे। चल कोई नहीं तू चाय पी ले मेरे साथ चल। अरे नहीं नहीं तू जा, यहाँ पे मेरी ड्यूटी है और तेरे साथ आके चाय पीऊंगा तो तेरा स्टाफ क्या सोचेगा। अरे कुछ नहीं सोचेगा चल यार तू मेरे साथ। अरे नहीं नहीं यार तू जा, और भाई किसी को बताइए मत कि तू मेरा दोस्त है। अच्छा चल कोई नहीं, सुन तेरे को किसी भी चीज की जरूरत हो ना इस कंपनी के अंदर तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है? बेझिझक मेरे को बोलती हो, ठीक है? ठीक है भाई चल ठीक। अरे अरे यार ये अपनी चाबी यहीं गिरा गया, क्या करूं? अंदर जाके दे देता हूँ। नहीं यार अंदर जाऊंगा तो फिर, अरे चला ही जाता हूँ वरना परेशान हो जाएगा। हाँ अरे पवन ये तो अपनी गाड़ी की चाबी गिराया था बाहर। तुमने तमीज बोल गया, हमारे सर को नाम लेकर बुला रहा है। मैडम ये क्या बदतमीजी है सर, कि दो बड़ी का गार्ड आपको नाम लेकर बुला रहा है और पूरा ऑफिस आपको सर सर कहता है। मैडम ये कौन सी तमीज है कि आप किसी को भी ऐसे मारोगे? सर तो बड़ी के लोगों ने आप सिर पे चढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता आज ये आपका नाम ले रहा है, कल ये न जाने आप क्या क्या कर देगा। मैं इनको अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैडम आपकी इस बदतमीजी के लिए ना मैं आपको अभी ऑफिस से निकाल सकता हूँ। सर आप एक दो बड़ी के गार्ड के लिए अपनी HR को धमकी दे रहे हो ऑफिस से निकालने की। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी निकाल सकता हूँ तुम्हारी बदतमीजी के लिए। पर सर आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपका रिश्तेदार लगता हो। ये रिश्तेदार हो चाहे ना हो, पर तुम्हें किसने हक दिया किसी को ऐसे बात करने का, थप्पड़ मारने का? तेरी वजह से मुझे कितनी सुननी पड़ रही है। मैडम आवाज नीचे, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं ये मेरा बचपन का दोस्त है, वो किसी मजबूरी में एक काम कर रहा है, ये मेरे साथ पला बड़ा है, साथ रहा वो मेरे। सर सॉरी मुझे मालूम नहीं था सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। आप ऐसा है इस बदतमीजी के लिए ना अभी मेरी कंपनी से जा सकते हो। ये पकड़ो अपना लैपटॉप और जाओ यहाँ से, नहीं मुझे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत, निकल जाओ यहाँ से। अरे सुशांत भाई सॉरी यार उसकी बदतमीजी के लिए, मैं इधर से माफी मांगता हूँ यार। अरे कोई बात नहीं जाने दे, ठीक है? और कल से ना सुन इस कंपनी में ना एड्रेस पहन के आने की जरूरत नहीं तेरे को, तू कल से ऑफिस वर्क करेगा। अरे नहीं नहीं भाई छोड़ रहे सब क्यों? नहीं भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तेरे लिए मैं उसको ठुकरा दिया, ठीक है? मेरे को नहीं ऐसी HR की जरूरत, उसे क्या लगता है उसके दम पे मेरी कंपनी चल रही थी। भाई तू संभालेगा आज से उसका काम, कल से एड्रेस अब चेंज, और भाई पूरी तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी की।